हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल यू आर क्यूरियस में स्वागत है। इसरो जो कि इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1969 में हुआ था। तब से लेकर आज तक इसरो ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि भारत के मंगलयान मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में ऐसा कार्टून पब्लिश किया गया था। हालांकि बाद में उनके तरफ से सफाई भी दी गई। आज इसरो एक बड़ा और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है और अब तक इसरो ने कई बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। आज हम इस वीडियो में इसरो के चार बड़े अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे, इसलिए आप यह वीडियो पूरा देखिए। नंबर 1, चंद्रयान 2। लिफ्ट ऑफ विल स्टार्ट इन T-10 सेकंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. चंद्रयान 2 इसरो का एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, जिसे इसरो ने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। ये मिशन भारत का दूसरा मून मिशन था। चंद्रयान 2 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 2 का लैंडिंग साइट मून का साउथ पोल था। इसरो ने साउथ पोल को ही टारगेट इसलिए किया था क्योंकि साउथ पोल का ज़्यादातर एरिया शेडो रीजन में आता है, जो कि इस एरिया को इंटरेस्टिंग बना देता है और इस रीजन में पानी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव इस रीजन पर मौजूद अली सोलर सिस्टम के हिस्टोरिकल एविडेंस को स्टडी करना, मून के सरफेस का एक्सटेंसिव मैपिंग करना और उसके वेरिएशन को स्टडी करना, जो कि मून के ओरिजिन का पता लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स चंद्रयान 1 ने डिस्कवर किया था उसे और अच्छी तरह से स्टडी करना था। नंबर 2, रीसेट 2B। 22 मई 2019 को इसरो ने रीसेट 2B सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो कि एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये एक सुपर सर्विलेंस सैटेलाइट है। इसका बेनिफिट ये है कि ये क्लाउडी कंडीशन में भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकता है, जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर पर नज़र रखने के लिए बहुत यूजफुल है, और ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है। नंबर 3, GSAT-7A। 19 दिसंबर 2018 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSAT-7A सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ये एक एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का मेन पर्पज है डिफेंस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना। इस सैटेलाइट को खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। इस सैटेलाइट की मदद से इंडियन एयरफोर्स का वारफेयर कैपेबिलिटीज के साथ ग्लोबल ऑपरेशंस भी बढ़ा है। नंबर 4, हाइसिस। 29 नवंबर 2018 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 31 सैटेलाइट लॉन्च किए। इनमें से एक इंडियन सैटेलाइट था और बाकी के 30 कस्टमर सैटेलाइट थे। हाइसिस एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि इंडिया के हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स में से एक है। इस सैटेलाइट का मेन पर्पज है अर्थ सरफेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नियर इंफ्रारेड और शॉर्टवेव को स्टडी करना।